और एक दुआ ऐसी है जो नबी की दुआ की बराबर का मकाम रखती है। हुजूर अलैहिस्सलाम और सिर्फ वो नबी सिर्फ नहीं, सैयदुल अंबिया की दुआ की तरह है। फरमाया दुआ वालिदी ही ले वालिदी ही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में। उम्मत के हक में हुजूर दुआ करे तो रद्द नहीं होती, और बेटे के हक में बाप दुआ करे तो रद्द नहीं होती। आज हम पीरों से, फकीरों से, मजारों से सबसे दुआ लेने चले, मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा हुआ है, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में बैठा हुआ है, अपने बाप को छोड़कर जाता कहां है। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कहता हूं कि जिसके लिए कुरान और अहदीस में सनदें मौजूद है कि जहां दुआ रद्द नहीं होती, हम जा रहे हैं सैयद साहब आप दुआ कर दो, पीर साहब आप दुआ कर दो, मौलाना साहब आप दुआ कर दो, इस ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। अरे खिदमत कर, बाप की दुआ ले, माँ की दुआ ले, वो दुआ की बरकत है, तकदीर बदलती। मैं कहता हूँ वली की दुआ वली का दर्जा रखती है, नबी का दर्जा नहीं रखती, लेकिन बाप की दुआ तो सैयदुल अंबिया की दुआ का दर्जा। क्या फरमाए?